आओ, कैसे हो? ठीक हो? बहुत टाइम बाद। हाँ, वो ऑफिस के काम के लिए। ऐसे कहीं मैं जाता नहीं, जहाँ इम्पोर्टेंट नहीं होता वहाँ तो बिल्कुल नहीं जाता। आज बाहर कैसे? वो क्या है, पूरा दिन घर के बाहर ही रहता हूँ, तो मैंने सोचा आज मीटिंग भी बाहर ही कर लेता हूँ। क्या है, पूरा खुला आसमान है, चिड़ियाओं की चहचहाट है और नेचुरल वातावरण चाहिए अपनों को, इसलिए मैंने बाहर ही मीटिंग रख ली। आओ। हेलो सर। हाय सर। क्या है, पिताजी पहले आ गए, बेटा बाद में आ रहा है? यही तो कुदरत का नियम है। अरे कौन है ये? जा पूछ क्या। सर ये मेरा दोस्त है, मैंने इसको पूछा कि फ्री है, तो इसने बोला हाँ मैं फ्री हूँ, तो मैंने कहा चल, तो आ गया। यहाँ मुजरा चल रहा है? आज तक तो सिर्फ इंस्टा पर देखा था, आज रियल में भी देख लूंगा। क्या बात है सर, आज बहुत खुश लग रहे हो। आज वो हो गया जिसका बहुत बेसब्री से इंतजार था। समझ रहे हो, समझ रहे हो? अरे मैं इस चेक की बात कर रहा हूँ जो मुझे बोनस में मिला है। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। सर ये तो बहुत ही खुशी की बात है, टीचर की सैलरी वैसे ही बहुत कम होती है, ऐसे बोनस चेक मिल जाते हैं तो उनको घर चलाने में आसान पड़ता है। कुछ टीचर तो ट्यूशन भी पढ़ा लेते हैं ज्यादा कमाई के लिए, समझदार है, पता है स्कूल में कोई पढ़ने तो आता नहीं है। मत पढ़ो, उनका भविष्य खतरे में। मैंने ना जाने कितने बच्चों को फ्री में पढ़ाया है। वही लोग इधर गांजा फूंक रहे होते हैं। सर ये तो बहुत खुशी की बात है, मुंह मीठा नहीं कराएंगे। अपने बेटे की फेल होने की खुशी में या अपनी हाफ सेंचुरी कंप्लीट कर ली उसकी खुशी में? सर क्या कह रहे हो? जी हाँ, ये फेल हो गया है। सर मुझे इसके भविष्य की बहुत चिंता हो रही है। अब हो रही है? मुझे तो पहले दिन से पता था ये गोलगप्पे की रेडी लगाएगा। इनसे तो ज़्यादा ही कमा लेगा। हाँ बिल्कुल कमा लेगा। पहले गोलगप्पों में छेद करो, फिर पानी भरो, फिर सॉल्ट लगा के लोगों को परोसो। आपका मुंह में पानी ला रहे हो, और फिर तीखा पानी परोसो, और ज़्यादा तीखा लगे तो वो क्या बोलते हैं, वो सूखी पापड़ी दे दो। इन्हीं को रख लियो, ज़्यादा ट्रेंड लग रहे हैं। मुझे शौक नहीं है, और ये इतना निकम्मा है ना कि इसको ये भी नहीं पता होगा कि मिर्ची कहाँ लगती है। समझ रहे हो? अरे खेत में लगती है। आपकी एक ही औलाद है? कंट्रोल। हाँ क्यों नहीं? कहते हैं दो औलादे होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बड़ी वाली अक्सर निकम्मी निकलती है। आपका छोटा भाई कहाँ है? तू चुप हो जा। पूरी जनरेशन का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा। एक सर्वे के हिसाब से 60% बच्चे गर्लफ्रेंड बनाने में लग हुए। एक सर्वे के हिसाब से 70% बच्चे बिना चीटिंग के पास नहीं हो सकते। एक सर्वे के हिसाब से 90% बच्चे भटके हुए हैं। भड़वे के हिसाब से कब से एक ही बात पटके हुए हैं। अरे बहुत बदतमीज है ये। अच्छा। अरे सर जाने दीजिए। पापा। सर मुझे कोई टेंशन वाला काम नहीं करना, मुझे पढ़ाई भी नहीं करनी, मेरा पैशन एक्टिंग में है। सीरियस हो? हाँ सर बिल्कुल। लेकिन कुछ काम करो, पैसा मन लगा के करो कि नाम रोशन हो। बनना है तो शाहरुख खान जैसा बनो। अभी वो कौन सी फिल्म आई है, वो इरफान पठान? हाँ हाँ पठान। काम करो तो ऐसा करो, देखो कितनी बातचीत है। सर उनको 30 साल हो गए। हाँ तो मुझे भी 31 साल हो गए। हाँ तो क्या उखाड़ लिया आपने? बहुत कुछ उखाड़ा है, मुझे प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, और तेरे जैसों का तो बहुत ही उखाड़ा है। सर आपको एक्टिंग आती है? जी बिल्कुल। तो सर कुछ करके दिखाइए ना। ये पकड़ो फोन। सही से देखना एक्सप्रेशन। अगर आपको इतना ही आता है तो आपने फुल टाइम एक्टिंग क्यों नहीं करी? शादी जब से हो गई है ना, खुद के मन का खा पाता हूँ, ना पी पाता हूँ, ना पहन पाता हूँ, आप तो समझ ही सकते हो। ठीक है समझ गया, मतलब मेरा ही फूटा हुआ है। वहाँ स्कूल में रहो तो ट्रस्टियों की किटकिट, वहाँ घर पे रहो तो बीवी की किटकिट। हफ्ते में एक दिन की छुट्टी मिलती है, 3 मेट्रो बदल के अपने सास ससुर को मिलने जाता हूँ। मैंने क्या एक दिन आप इधर आ जाइए, कहते नहीं जोड़ों में दर्द है। इतना किसी को परेशान करोगे तो जोड़ों में क्या? कंट्रोल। दर्द तो रहेगा ही। फिर मैं जब सोचता हूँ कि आज पूरा दिन फ्री हूँ, आराम करूंगा, जब घर के सारे नल के लीक होने जाते हैं, फिर बीवी बोलेगी प्लम्बर को बुला लो, फिर महान अनुभव आएंगे और मुझसे पूछेंगे पक्कर है, पाना है, भाई साहब ये हमारे पास होता तो तुमको क्यों बुलाते।
मैं रात को टीवी भी ऐसे छुप छुप के और साइलेंट देखता हूँ क्योंकि बीवी की आंखों पर रोशनी पड़ती है और बेचारे की नींद टूट जाती है। और जब मैं सो रहा होता हूँ, जब ऐसा जोर जोर से दरवाजा तोड़ती है, जाने सीआईडी की दया हो। कंट्रोल। और फिर कहती है आप मुझे घुमाने नहीं ले जाते, तो मैं ले गया इसको शिमला। कल दोबारा बोल रही है कि आप मुझे घुमाने नहीं ले जाते। अरे मैं ट्रैवल एजेंट हूँ क्या? जितना एक दिन में धरती नहीं घूमते होगे उतना तो इसको घूमना होता है। अब वो वहाँ जाना है, वो कश्मीर में क्या है, मना जा पूछ क्या? मनाली। आंटी इनको सुनाई नहीं दी, आप दोबारा से बोलना। आपकी वाइफ का वीडियो कॉल आ रहा था, मैंने सोचा उनको आपकी एक्टिंग बता देता हूँ, लेकिन आप तो कुछ ज्यादा ही आगे निकल गए। हेलो जान, आप बता क्यों रहे ना? आप तुम तुम्हारे घर में जाके अपने मायके उनको। अरे सुनो, चलो पापा चलते हैं। हाँ हाँ चलते हैं चलते हैं।